सारा कसूर एक शख्स का है। वो शख्स कौन है जिनका नाम लिखा है उन्होंने, पर्टिकुलर पंजाब एक्टिंग थ्रू हुज राणा सनाउला? He was minister for law at that time in government of Punjab, sir. And he was chairing the committee. Government of Punjab in acting through, मतलब या तो chief minister का नाम लिखें भी acting through राणा सनाउला, उनको क्या? उस वक्त एक committee पंजाब में बनी थी law and order की, which was headed by law minister at that time. ये कौन? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है ये report पढ़ के। वो सारा premise ही flawed है, वो इस बात पे सारा focus है कि इनको वहाँ से यहाँ आने क्यों नहीं दिया। इफेक्टिवली प्रेमिस क्या रोक सकते हैं किसी को? नहीं रोक सकते। आप कोई जाना चाहे जाएं, अनलेस वो कोई जा रहा है बंदूकों के साथ, तो अलग बात है वो है। और किसी दूसरे का यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये हो सकती है कि पब्लिक का कोई फंडामेंटल राइट आप फिर नहीं इसमें कोई कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट करने, भी आओ प्रोटेस्ट करो, मगर दैट डजंट मीन यू टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। टर्म 5 का जरा कंक्लूजन देखें कि बड़ा अजीब सरप्राइजिंग है कंक्लूजन। पेज 133 पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का 5 का कंक्लूजन आखिरी दो लाइनें। द कमीशन फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ओथ प्रोवाइडेड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आगे क्या वो आर्टिकल 5 को सर, लॉयल्टी टू द स्टेट। हाँ पढ़े जरा, आप दोबारा पढ़े जी। द कमीशन फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ओथ प्रोवाइडेड इन द थर्ड शेड्यूल। जुमला तो कम से कम पूरा बना लो ना, किसने वायलेट किया है ओथ? उर्दू में लिख देते अगर इनको अंग्रेजी इनकी कमजोर है इतनी। क्या जुमले का मतलब क्या निकला? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है जुमला। I don't exactly know. वो लॉयल्टी टू द स्टेट है आर्टिकल 5 एंड ओबीडियंस टू द लॉ फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल। भाई बताओ ना, यही तो आपसे पूछ रहे हैं किसने किया। वो कह रहे हैं आने क्यों दिया इस्लामाबाद, ये तो फिर आप खुद वायलेट कर रहे हैं आईन में। हमने इस जजमेंट में कहाँ लिखा था कि उनका हक नहीं आने का? हमने तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्री लिखा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। An oath of the third schedule, किसकी oath की बात कर रहे हैं? The third schedule में I think वो तो सारे oaths उधर है ना, किस किस शख्स की oath की बात हो रही है इधर? I think it is referring to a paragraph E में, the preceding paragraph, the law minister who was instrumental, they say, in shaping the policy of the government of Punjab. Policy और oath में उनको फर्क नहीं पता है। I don't know what sort of report this is. रिकमेंडेशन देनी थी और मुझे नहीं पता कि किस बात का खौफ। कोई कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर। मैंने आगे पढ़ते हैं, अगला वाला पढ़ जी। अभी तक मुझे कुछ इसमें नजर ही नहीं आया। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद इंटेलिजेंस एजेंसीज। सो इसका भी जो कंक्लूजन है फॉलोइंग पेज पे says that the then IG Punjab is held along with provincial government is held responsible. ये तो लगता है कि उनको कुछ बुग्ज है पंजाब से कमीशन मेंबर्स को। entire report is proceeds on the premise that उनको इस्लामाबाद जो आने देना है, this is something they are going to inquire into. इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो अगर राइट पंजाब में भी कर सकते हैं, राइट इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं। सिर्फ इस एक बात पे लग रहा है, इस्लामाबाद मत आओ, बाकी जगह कर लो एहतजाज। ये नहीं लग रहा है कि जब वो यहाँ आ गए थे तो जो यहाँ आकर किया उसके ऊपर क्या किया वो, ये जस्ट जो इनकी कंक्लूजन रिकमेंडेशन से मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला नजला गिराना, वो सारा नजला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है।